अब्बास बाग फरमाते हैं इस वक्त मेरे दिल पे अल्लाह ने इल्मे लदूनी के 70 दरवाजे खोल दिए। कितने दरवाजे? अल्लाह ने मेरे दिल पे इल्मे लदूनी के कितने दरवाजे खोले हैं? आप पूछो जलाली साहब, एक दरवाजा कितने फुट का है, एक दरवाजा कितने गज का है? फरमाते हैं जमीन से लेकर आसमान तक इतना बड़ा एक दरवाजा है और इतने 70 दरवाजे रब ने गौसे आजम के दिल पे खोल रखे हैं। इतना इलम रब ने दिया है, 70 दरवाजे, हर दरवाजा जमीन से लेकर आसमान तक इतना बड़ा है। अब गौसे आजम बोलते हैं, क्या कहते हैं? पर मैं तुम मेरे सामने बैठे हो, क्या समझते हो मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ? मेरी रूहानियत जानते हो कितनी है? मुझे रब ने जो शान दी है जानते हो कितनी है? तो तवज्जो करना जरा, गौस बाग फरमाते हैं लौला लजाम व शरीयती अला लिसानी ला अखबरतुकुम बिमा ताकुलू मेरी जुबान पे अगर शरीयत का पहरा ना हो मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ तुम क्या घर से खा के आए हो, क्या घरों में बचा के आए। ओ बोलो जिसे समझ आई है क्या कह रहा। अल्लाह समझ आई है कि नहीं आई? फिर मैं लौला लजाम व शरीयत अला लिसानी ला अखबरतुकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखिरूना फी बुयूतकुम, फिर मैं मेरी जुबान पर शरीयत का पहरा ना हो मैं ये भी बता सकता हूँ क्या खा के आए हो, क्या बचा के आए हो, कैसे? फिर मैं अंतुम बैन यदै कल कवारीरी, तुम मेरे सामने शीशे की बोतल की तरह होते हो, जरा माफी पवातिनकुम व जवाहिरकुम, और फरमाया मैं तुहानू अंदरों भी जानना बाहरों भी जानना, मैं तुम्हें अंदर से भी जानता हूँ, मैं तुम्हें बाहर से भी जानता हूँ, मुझे पता है तुम क्या खा के आए हो। आज बड़े बड़े लोगों की अकीदे बदल गए हैं, तो मैंने कहा हमसे तो छुपा लो, लेकिन गौस बाग फरमाते हैं मैं जानता हूं तुझे की खा बैठे हो। समझो यार मैं क्या कह रहा हूं, हम तो कब से कहते हैं कि तुम किसी गैर का खा बैठे हो जो अकीदे से गद्दारी करते हो, ना मानो। गौस बाग कहते हैं मैं तो जानता हूं क्या खाए हो, मेरे सामने शीशे की बोतल की तरह बात सुनी, तेरे अकीदे पे कुर्बान जाऊं। जब गौस आजम का ये इलम है तो गौस के नाना जी के इलम का आलम क्या होगा? मेरे गौस आजम की ये शान है कि उनके सामने कोई छुपा नहीं सकता, पर मैं अंदर को भी जानता हूँ बाहर को भी जानता हूँ, और ये सारी शान मेरे गौस को रब्बुल आलमीन ने अता फरमाई है।